बीच में ये हॉल करके इसमें आप बटर रख दें, ग्लू पेन बटर और कुछ भी हो, वो आहिस्ता आहिस्ता आप बंद कर दोगे ढक्कन तो ये मेल्ट हो जाएगा, तो बटर की खुशबू भी आ जाएगी। ग्रीन वाली चटनी, चटनी का आप नोट कर लें प्लीज। हेलो, चटनी के लिए आप नोट कर लें, मैंने दो धनिए लिए थे, धनिए की गट्टी नीला दाना, वो गट्टी नीला दाना, वो जूड़ा, वो जूड़ा कटर 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 ओखाई जो पहले की बिचारी हमारी अम्मिया बोलती थी, वो जूड़ा दाना ने अर्ध जूड़ा पुदीनू, यानी हाफ पंच पुदीना, हाफ गट्टी पुदीना, ये तेज हो जाएगी, सही हो गई, ठीक है। और इसमें चाइनीज नमक जाएगा 1 टी स्पून, क्या जाएगा, चाइनीज नमक 1 टी स्पून, और जीरा 1 टी स्पून जीरा जाएगा, कौन सा जीरा, सफेद जीरा, सफेद जीरो 1 टी स्पून जीरा इनमें, ठीक है। अपनी टी स्पून कारी मिर्च, हाँ कारी मिर्च ऊंचा ने हाफ टी स्पून अयोध्या में सादो नमक, ठीक है। चाइनीज नमक तो डाल दिए। अब जो हम देखते हैं ना यूनाइटेड वाले समोसे में जो चटनी देते हैं, तो यार ये इतनी ग्रीन की होती है, ये इसका नमक होता है, ग्रीन फूड कलर का, ये फूड कलर डाल देंगे इसमें 1/4 टीस्पून, ठीक है। इतना ही मैं डाल देती हूँ। और जो मैंने इमली दी थी, इमली थी ये 1 पाव, क्या थी इमली, 1 पाव, इसके मैंने बीज निकाल लिए थे, ये गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हम इसमें चटनी में अपनी शामिल कर देंगे, जिससे चटनी में खटास आएगी। अब इसमें पानी शामिल करके इसको हम ब्लेंड कर देंगे। चटनी बनानी किस किस को आती है बच्चियों, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, चटनी बना लेते हो, चेहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। ये ना एक दफा मैं मसाला किचन में देख रही थी, कस्टर्ड बना रही थी, वो कोई शेफ थी, मैं नाम नहीं लूंगी, उसका कस्टर्ड में घुंडियां आ गई। अब कैमरा मैन ने ना दिखा दिया, ये पता नहीं कैमरे के पीछे क्या क्या करती है, मुझे नहीं पता है, वो घुंडियां बने उसने क्या कस्टर्ड डस्टबिन में फेंक दिया, जो बना हुआ था वो हमारे सामने आ गया। हम ऐसा नहीं करेंगे भाई, हमारी चीजें इतनी हो गई है।
की खीरी बहुत मशहूर है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है खीरी। वहाँ हम गए थे तो मैंने वहाँ ये नई चीज़ देखी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से डाल देंगे, ठीक है, हो गई नई चीज, नई चीज हो गई ना, ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब मैं डाल रही हूँ कबाब फ्राई में 1 टीस्पून ना, इसको आप हाथ रोक के जरा डालिएगा क्योंकि ये अगर ज्यादा डल गया तो फिर कड़वाहट हो जाती है, ज्यादा नहीं डालिएगा। थोड़ा सा हाफ टी स्पून जितना डालिएगा। अब हम डालेंगे धनिया, ठीक है, ऊपर गार्निश के लिए। नहीं, ऐसे चॉप करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, आप कोशिश नहीं कीजिएगा उंगलियां कट जाएंगी। और ये अदरक कटेगी जूनियर बिल्कुल बारीक। ये बताइए जो ऐसी कटिंग होती है ना, इसमें कभी भी आप देखें, मैं आपको सिखा रही हूँ, ये ऐसे पहले अदरक के ऐसे पीस कर लें, ठीक है, फिर आपने इसको कभी भी यूं नहीं पकड़िएगा, आपकी ये कटने का डर है। ये जो शेप लोग होते हैं ना, ये उंगलियों को यूं रखते हैं, ठीक है। ये देखें, आप लोग पहले आराम आराम से कीजिएगा, ये छुरी को यहाँ रख के आगे की तरफ जाते हैं, यूं रखा यूं आगे गए, यूं रखा यूं आगे गए, ये कटिंग होती है जूनियर कटिंग, ठीक है, समझ आई आप लोगों को। फ्लावर बनाने की हमने कोशिश की है, सही है। हमारी सारी चीजें डन हो गई।